हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज हम जो है शुरू करने वाले हैं लास्ट हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 7 क्लास 11 एनसीईआरटी का। गाइस, हम एनसीईआरटी सीरीज पे हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लास्ट टॉपिक, जो कि है फ्रॉग की मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी। तो अगर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, अगर आपने पिछले सारे वीडियोस देखे हैं इस चैप्टर के, तो हमने अभी तक इस चैप्टर में एक तो डिटेल में जो है एनिमल में टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज टिश्यू सिस्टम पढ़े हैं, क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ। फिर हमने जो है ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम शुरू करा, जिसमें हमने सबसे पहले अर्थ वर्म की पूरी मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी समझी। फिर हमने लास्ट के दो वीडियोस में कॉकरोचेस की पूरी मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी समझी, और आज के वीडियो में गाइस हम फ्रॉग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं शुरू करूँ टॉपिक, गाइस प्लीज आप लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको वीडियो समझ में आएगा, और आप जरूर से मुझे बताइएगा अगर आपको कोई डाउट होगा। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स में, चाहे आपको वीडियो समझ में आया हो या ना आया हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉग से। तो गाइस, फ्रॉग बेसिकली टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों ही होते हैं। क्या मतलब है? फ्रॉग्स टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं, ठीक है। ये लैंड में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ये बिलोंग करते हैं क्लास एम्फीबिया और फाइलम कॉर्डेटा को, ठीक है। सबसे कॉमन अगर मैं बोलूं स्पीशीज फ्रॉग का क्या है इंडिया में, तो वो है राना टिग्रिना। को बोलते हैं राना टिग्रिना, ठीक है। अब एक चीज समझ समझिए कि फ्रॉक्स जो है लेकिन अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बेसिकली इनका बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, वो वेरी करता है इन बाहर का टेम्परेचर, जिस एनवायरमेंट में ये हैं उसके टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसके वजह से हम बोलते हैं कि फ्रॉक्स जो है वो कोल्ड ब्लडेड, या इसी को हम पॉइकिलोथर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके वजह से गाइस, जैसे ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड, तो ये क्या होता है कि स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है। इसके वजह से ही ये समर स्लीप, जिसको एस्टिवेशन बोलते हैं, और विंटर स्लीप, जिसको हाइबरनेशन बोलते हैं, उसमें चले जाते हैं, जैसे ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन, जैसे ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी है, दिखते कैसे हैं ये। सो बेसिकली अगर आपने फ्रॉग को टच किया हो कभी, जैसे मैंने जब पहली बार फ्रॉग को डाइसेक्ट करा था अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो एक चीज मैंने नोटिस करा था ना, कि इनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्लाइमी सी होती है, बहुत ही स्मूथ स्लाइमी सी, बहुत डेलिकेट सी फील होती है, ठीक है। ये इस वजह से होती है ना, क्योंकि इनकी स्किन पे एक म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है। अब ये क्यों होती है? क्योंकि फ्रॉग जो है ना, वो हमेशा अपनी स्किन पे मॉइस्ट कंडीशन मेंटेन करता है। तो बेसिकली फ्रॉग की स्किन हमेशा ही मॉइस्ट होती है, ठीक है। अब कलर की बात करते हैं, तो अगर आप ऊपर से डॉर्सल सरफेस फ्रॉग का देखेंगे, तो आपको बहुत ही वो डार्क ग्रीन, ऑलिव ग्रीन सा कलर दिखेगा, है ना, और उसके ऊपर पैचेस दिखेंगे डार्क आपको। अगर आप पलट देंगे फ्रॉग को, अगर आप वेंट्रल साइड से देखेंगे, नीचे के साइड से, तो बहुत ही पेल येलो सी एक यूनिफॉर्म कलर की स्किन दिखेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया कलर। अब बॉडी जो है फ्रॉग की बॉडी डिवाइडेड किसमें है? बॉडी डिवाइडेड है हेड और ट्रंक। फ्रॉग में नेक और टेल नहीं होता है, फ्रॉग में नेक और टेल नहीं होता है। बॉडी डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में, ठीक है। तो ये तो हो गया बॉडी डिवाइड कैसे है। अब अगर आप माउथ का एरिया देखेंगे, तो एक बार हम क्या करते हैं ना, इसके लिए ये डायग्राम ही देख लेते हैं। तो ये बेसिकली फ्रॉग ऐसा दिखता है कुछ, है ना। ऊपर साइड आप देखेंगे तो ये आपको ऑलिव ग्रीन, डार्क ग्रीन से दिखेगा। अंदर वेंट्रल साइड आप देखेंगे तो पेल येलो सी एक पूरी जो है सेम तरीके की स्किन दिखेगी, है ना, यूनिफॉर्म पेल येलो दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप इनका माउथ वाला रीजन देखेंगे, तो माउथ के ऊपर नॉस्ट्रल्स होते हैं पैर में, ठीक है। उसके अलावा आईज होती हैं। तो ये बेसिकली हो गया हेड और ये हो गया ट्रंक। अब ये हो गई आई एक, ठीक है। ये हो गए आगे के पैर, फोर लिंब,
और ये हो गए पीछे के पैर, हाइंड लिंब। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि कैसे होती है आईज, कैसी होती है आईज, बाहर निकली हुई होती है। अब आईज बल्ज्ड होती है और आईज कवर्ड होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से, जो कि अगर फ्रॉग पानी में है तो पानी से बचाती है आईज को। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, दोनों आईज के साइड में आपको दिखेगा एक टिम्पैनम, एक छेद सा दिखेगा, सिर्फ ओपनिंग दिखेगी जो कि ईयर है। ठीक है, वही साउंड सिग्नल जो है आपका रिसीव करता है और हियरिंग में हेल्प करता है, अंदर जो है इंटरनल ईयर होता है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब्स, जो आगे और पीछे के पैर हैं वो फ्रॉग को स्विमिंग, वॉकिंग, फिर कूदता है फ्रॉग, लीप करता है ना, तो लीपिंग, और वो बरो करता है, अगर वो सॉयल में है तो बरो बनाता है, तो बरोइंग उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, तो स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग और बरोइंग में दोनों जो लिम्ब्स हैं, जो दोनों पैर हैं लिम्ब्स के, फोर और फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के पैर को हेल्प करते हैं। अब हाइंड लिम्ब जो है ना, जो हाइंड लिम्ब है उसमें 5 डिजिट होते हैं। ठीक है, और जो फोर लिम्ब है उसमें 4 डिजिट ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप हाइंड लिम्ब देखेंगे ना, तो पीछे का जो पैर होता है वो बड़ा मस्क्यूलर होता है। ठीक है, इसी वजह से वो लीप करता है, कूदता है ना। और फीट जो है वो फीट कैसा होता है, वेब्ड होता है। क्यों? स्विमिंग में हेल्प करने के लिए फीट उनके वेब्ड होते हैं। ठीक है, वेब्ड डिजिट्स होते हैं बेसिकली फीट में। ठीक है, अब इसके अलावा बेसिकली क्या होता है ना, फ्रॉग में क्लियरली डाइमॉर्फिज्म दिखेगा, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स आपको पता चलेगा। कैसे? मेल फ्रॉग्स जो होते हैं उनमें एक तो वोकल सैक होता है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वोकल सैक होता है। इसके अलावा जो उनका फोर लिम्ब, जो आगे का पैर है, उसका जो फर्स्ट डिजिट है ना, उसके पास एक कॉपुलेटरी पैड भी दिखता है, और ये दोनों चीजें फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये गाइस हो गई पूरी मॉर्फोलॉजी। अब आते हैं एनाटॉमी पे। अब अगर आप एनाटॉमी की बात करेंगे तो बहुत सारे सिस्टम्स फ्रॉग में वेल डेवलप्ड है, जैसे उनमें जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। तो सारे सिस्टम्स हम एक एक करके पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें होती है, एक तो एलिमेंट्री कनाल होती है और दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। ठीक है, अब एक बार हम सीधा डायग्राम से ही डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। तो ये गाइज है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कनाल। तो बेसिकली एलिमेंट्री कनाल ये जो आपको दिख रही है ना, तो बेसिकली ये क्या है, माउथ है। माउथ जो से जो है वो फेरिंग्स में आता है, तो ये मान लीजिए आप फेरिंग्स है, और फेरिंग्स खुलता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस जो है वो खुलता है स्टमक में, और स्टमक के बाद आता है आपका इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जाता है रेक्टम में, और रेक्टम जो है आपका वो आ जाता है क्लोएका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोएका जो एंड है, और वहीं पर होता है क्लोएकल एपर्चर, जहां से बाहर चली जाती है कोई भी चीज बॉडी से। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके अलावा जो है इनमें होता है, एक तो लिवर, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल, तो ये हो गया लिवर। ठीक है, और बाइल स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, तो ये जो ग्रीन सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो गया गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब उसके अलावा लंग भी है, फैट बॉडीज हैं कुछ, है ना, और आप देखेंगे तो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी साथ में लगा हुआ है, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और अगेन यूरिनरी ब्लैडर वो क्लोएका में ही खुल रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो है सबसे पहले फूड कैप्चर होता है, कैसे कैप्चर होता है, बाई लोब्ड टंग से, जो उनकी टंग होती है ना वो बहुत ही बड़ी और बाई लोब्ड होती है। तो आपने देखा होगा कि एकदम फ्रॉग बैठे बैठे दूर से उड़ के अगर कोई इंसेक्ट जा रहा होता है, उसको तुरंत अपनी टंग से पकड़ लेता है। ठीक है, तो बाई लोब्ड टंग के थ्रू फूड कैप्चर होता है, वो अंदर जाता है, आईसीएल और गैस्ट्रिक जूसेस हैं, स्टमक जो के वॉल से निकल रही हैं, वहां पे पार्शियली फूड डाइजेस्ट हो जाता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं चाइम या काइम, ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस कीजिए उसको।
ये जो है पास होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में, जिसको बोलते हैं डियोडिनम। डियोडिनम जो है गॉल ब्लैडर से बाइल और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से, है ना, रिसीव करता है। बाइल जो है आपका वो क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, और पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो अब जो है फाइनल डाइजेशन तो इंटेस्टाइन में हो गया। अब जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड है वो बहुत सारे फिंगर जैसे फोल्ड्स होते हैं इंटेस्टाइन की वॉल में, जिसको बोलते हैं विलाई और माइक्रोविलाई, विलाई और माइक्रोविलाई, ठीक है। तो ये जो है अब्सॉर्ब कर लेते हैं डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स, और अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो है वो रेक्टम में मूव होता है, और रेक्टम से क्लोएका से, क्लोएकल अपर्चर से बाहर चला जाता है बॉडी के, ठीक है। तो ये तो गाइस हो गया पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इनका होता है, ठीक है, तो वो दो तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ये जब लैंड पे होते हैं तो अलग तरीके से रिस्पायर करते हैं, जब वाटर में होते हैं तो अलग तरीके से रिस्पायर करते हैं। जब ये वाटर में होते हैं तो स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन जाता है। वाटर में, क्या बोल रहे हो, वाटर में स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो बेसिकली एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो जाता है, इसको बोलते हैं क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब जो है बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर में वो स्किन के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है डिफ्यूजन के वजह से, ठीक है, डिफ्यूजन के वजह से स्किन के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है। लैंड में क्या होता है ना, वाटर तो देखिए, लैंड में क्या होता है कि इनकी जो बकल कैविटी है स्किन और लंग्स, और लंग्स ये मिलके जो है आपका पूरा सिस्टम बनाते हैं। इस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्यों? लंग्स से हो रहा है, ठीक है। अब लंग्स जो है वो पैर में होते हैं, पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके थोरैक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा, अभी हमने देखा भी था आगे ऊपर, है ना, डायग्राम में लंग्स होते हैं। अब जब ये बेसिकली स्लीप में होते हैं, जब ये समर या विंटर स्लीप में होते हैं तब क्या होता है, तो जब ये समर और विंटर स्लीप में होते हैं उस टाइम पर स्किन से गैसियस एक्सचेंज होता है, याद रखिएगा, उस टाइम पर स्किन से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके बाद है वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, अगेन वेल डेवलप्ड। इसमें क्या क्या होता है इनमें, तो बेसिकली इनमें वैस्कुलर सिस्टम भी होता है और लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। अगर हम वैस्कुलर सिस्टम की पहले बात करें तो वैस्कुलर सिस्टम में इनमें होगा एक तो हार्ट, ठीक है, दूसरा है ब्लड वेसल्स, और तीसरा है ब्लड, है ना। अगर हम लिम्फैटिक सिस्टम की बात करें, अगर हम लिम्फैटिक सिस्टम की बात करें तो इसमें एक तो है लिम्फ, दूसरा है लिम्फ चैनल्स, तीसरा है लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका वैस्कुलर और लिम्फैटिक सिस्टम। अब आते हैं पहले वैस्कुलर सिस्टम पे। वैस्कुलर सिस्टम में हार्ट है, हार्ट होता है थ्री चेम्बर्ड, हार्ट होता है थ्री चेम्बर्ड, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, दो ऑरिकल या एट्रिया और एक वेंट्रिकल। और हार्ट जो है वो कवर्ड होता है, किस चीज से कवर्ड होता है, पेरीमेट्रियम, किस चीज से, सॉरी, पेरी कार्डियम से कवर्ड होता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, साइनस वेनोसस बोलते हैं,
वो जो है ज्वाइन कर रहा है राइट एट्रियम को, ठीक है। वो जो है अब वो जो आपका राइट एट्रियम है वो रिसीव कर रहा है ब्लड थ्रू मेजर वेन्स जिनको बोलते हैं वेना कावा, और वेंट्रिकल जो है वो ओपन हो रहा है एक सैक में जो कि है बेसिकली वेंट्रल साइड में, ठीक है, जो कि कोनस आर्टीरियोसस बोला जाता है, ठीक। अब हो क्या रहा है कि ब्लड हार्ट से कैरी हो रहा है सारे बॉडी के ऑर्गन्स में थ्रू आर्टरीज, तो आर्टीरियल सिस्टम है, और सारे बॉडी के ऑर्गन से वेन्स जो है वो कनेक्ट कलेक्ट कर रही है ब्लड और हार्ट तक पहुंचा रही है क्लीनिंग के लिए, तो पूरा वीनस सिस्टम भी है। अब इसके अलावा जो है ना उनके लिवर, ये देखिए, ठीक है, तो स्पेशल कनेक्शन होता है वेन्स का, ठीक, एक लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में, याद रखिएगा, एक लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में, दूसरा किडनी और लोअर पार्ट जो है बॉडी उसके बीच में। लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, किडनी और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अगेन बॉडी पार्ट के हिसाब से नाम है, हिपैटिक क्योंकि लिवर, रीनल क्योंकि किडनी, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, ब्लड जो है बना होता है प्लाज्मा, और ब्लड जो है वो बना है प्लाज्मा और सेल्स से। अब सेल्स कौन कौन से होते हैं, आरबीसीज है या एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज है या ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होते हैं और रेड कलर्ड पिगमेंट जो कि हीमोग्लोबिन बोलता है वो भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर लिम्फ पे आते हैं, लिम्फ की बात करें तो लिम्फ जो है डिफरेंट है ब्लड से, क्यों, यहाँ पर प्रोटीन भी नहीं है और यहाँ पर आरबीसीज भी नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली ब्लड जो है वो क्या करता है, कैरी करता है सारे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, क्या क्या कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वाटर, सारे जो भी रिस्पेक्टिव साइट्स है वहां पर पहुंचाता है सर्कुलेशन के थ्रू। और सर्कुलेशन कैसे होता है, जो पंपिंग एक्शन है हार्ट का उसके वजह से ब्लड सर्क्यूलेट हो रहा है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब इसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बाद क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है गाइस वो कंसिस्ट करता है क्या क्या, एक तो होता है किडनीज, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, पहला होता है पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज, फिर होते हैं यूरेटर्स, फिर होता है क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब किडनी पे आते हैं पहले, तो किडनी क्या होता है, कॉम्पैक्ट डार्क रेड और बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहां पर होता है, आपका जो वर्टीब्रल कॉलम है, ठीक है, जैसे आपका वर्टीब्रल कॉलम जैसे फ्रॉग का भी वर्टीब्रल कॉलम है, जस्ट इमेजिन कीजिए, उसके दोनों साइड में नीचे पोस्टीरियरली पीछे के साइड में जो है दोनों साइड में एक एक किडनी होती है, ठीक है। अब किडनी बनी किससे है, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट से, इन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स को बोलते हैं नेफ्रॉन्स, इनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं दो यूरेटर, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर जुड़े हुए हैं, ठीक है। यूरेटर्स जो हैं वो मेल फ्रॉग के केस में यूरिनोजेनाइटल डक्ट में बेसिकली के जैसे एक्ट करते हैं जो कि क्लोएका में ओपन होता है। फीमेल्स के केस में यूरेटर और ओविडक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तो बेसिकली आपका सबसे पहले हो गया किडनी जो कि नेफ्रॉन से बना है, किडनी ओपन होता है यूरेटर्स में दो अलग अलग, फिर वो एक साथ आके जुड़ते हैं और वो बनाते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है थिन वॉल्ड होता है, वो ओपन होता है रेक्टम में, वो ओपन होता है क्लोएका में, और फिर क्लोएकल ओपनिंग होती है, क्लोएकल ओपनिंग से एक्सक्रीट करके बाहर जाता है इनडाइजेस्टेड वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट जो है, ठीक। अब फ्रॉग्स जो है ना वो यूरियोटीलिक होते हैं, वो यूरियोटीलिक होते हैं, मतलब
यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। जैसे कॉकरोचेस हमने पढ़ा था यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, वैसे फ्रॉग यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है, अब जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो किडनी में आता कैसे है, ब्लड लेकर जाता है, और फिर ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है, क्लीन जो है ब्लड वो बाकी जगह चला जाता है, और जो आपका वेस्ट है वो किडनी से सेपरेट होकर और बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक तो होता है न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो कोई भी केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है सारे ऑर्गन्स का बॉडी में वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू, कैसे, हार्मोन सिक्रीट करके। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं गाइस, जैसे कि पिट्यूटरी एक है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमीन, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक इनलेट्स, गोनाड्स, बहुत सारे ग्लैंड्स है जो बहुत सारे हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा क्या है, न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है ना। अब जो नर्वस सिस्टम है उसमें तीन तरीके के नर्व सिस्टम्स होते हैं, सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक। सेंट्रल पेरिफेरल में आपका आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल पेरिफेरल में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में आता है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, और ऑटोनॉमिक में आता है आपका पूरा सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो अगर क्रेनियल जो आपका नर्व्स हैं वो 10 पेयर होती हैं, वो अराइज होती है कहाँ से, ब्रेन से। ठीक है, अब ब्रेन क्या है, ब्रेन जो है क्रेनियम के अंदर एक बोनी बॉक्स है जिसके अंदर बंद है, इनक्लोज्ड है, और ब्रेन डिवाइडेड है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों में क्या होता है। फोर ब्रेन में जो है उसमें होता है एक तो आपका ऑल्फैक्ट्री लोब, ठीक है, दूसरा होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और डाइनसेफेलॉन बोलते हैं, अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन, एक डाइनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में क्या होता है, ऑप्टिक लोब्स, लोब्स के पेयर होते हैं, ऑप्टिक लोब्स के पेयर होते हैं। हाइंड ब्रेन में क्या होता है, हाइंड ब्रेन में होता है सेरिबेलम और मेड्यूला ओब्लोंगाटा। अब ये जो मेड्यूला ओब्लोंगाटा है ना, यही जो है पास होता है फोरामेन मैग्नम बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम के थ्रू, और कंटिन्यू कर जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड फिर से एक बोनी स्ट्रक्चर में इंक्लोज होती है जिसको बोलते हैं वर्टीब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड वर्टीब्रल कॉलम में बंद होती है। ठीक है, अब इसके अलावा देख लेते हैं सेंस ऑर्गन्स। सो गाइस, सेंस ऑर्गन्स डिफरेंट तरीके के होते हैं फ्रॉग में। टच के लिए सेंसरी पैपिले है, टेस्ट के लिए टेस्ट बड है, स्मेल के लिए नेजल एपिथीलियम है, विजन के लिए आई है, हियरिंग के लिए टिम्पैनम है ना। अब इनमें से आईज और इंटरनल ईयर जो है वो तो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, बट बाकी जो है वो क्या है कि सेल्यूलर, बस सेल्स के एग्रीगेशन है जो नर्व एंडिंग्स पे एग्रीगेट हो गई है सेल्स बेसिकली। ठीक है, तो आईज देखते हैं, आईज जो होती है ना वो एक तो पैर में होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, सिंपल आईज है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमने कॉकरोच के केस में पढ़ा था कि अलग तरीके की आईज होती है ना, मोजैक विजन होता है, वैसा नहीं है, सिंपल आईज है। ठीक, अब ईयर पे आते हैं। ईयर जो है वो उनका दो डुअल फंक्शन प्ले करता है, ईयर जो है हियरिंग का भी काम करता है और बॉडी का बैलेंस बनाने का भी काम करता है, इक्विलिब्रियम भी बॉडी का मेंटेन करता है। ठीक है, अगर ईयर आप देखेंगे तो बाहर आपको एक्सटर्नल ईयर नहीं दिखेगा, सिर्फ एक एक डॉट जैसा दिखेगा जिसको बोलते हैं टिम्पैनम, और अंदर का ईयर डेवलप होता है, तो सिर्फ टिम्पैनम देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया सेंस ऑर्गन्स। अब लास्ट जो हमारा बचता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही वेल डेवलप्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब पहले आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो आपका येलो कलर की राउंड ओवरीज दिखती है, क्या दिखती है, येलो कलर की राउंड ओवरीज है ना, सॉरी मैंने ओवरीज बोला गाइस, टेस्टिस है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं पहले। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो आपको येलो राउंड दिख रहा है ये टेस्टिस है। ठीक है, ये टेस्टिस है। अब येलोइश ओ ओ ओवल जो है टेस्टिस होते हैं। ठीक है,
अब ये जुड़े होते हैं ना आपके जो ऊपर, ये किडनी है बेसिकली गाइस, ये क्या है, किडनी है। तो किडनी का जो अपर पार्ट है ना उस पे जुड़े हुए हैं, उस पे बंधे हुए हैं एक तरीके से बोल दीजिए, ठीक है। अभी कैसे बंधे हैं, ये जो आपको फोल्ड जैसा एक दिख रहा है ना उससे बंधे हुए हैं, इसको बोलते हैं मीजोरकियम, इसको बोलते हैं मीजोरकियम, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वासा एफरेंशिया, ठीक है। ये तो आपने पहले भी देखा था, आपने फैट बॉडीज हैं है ना, ये जो वासा एफरेंशिया हैं, ठीक है, ये 10 से 12 होती हैं नंबर में, और ये टेस्टिस से निकलती हैं, और ये किडनीज में एंटर कर जाती हैं किसके थ्रू, बिडर्स कैनाल के थ्रू, बिडर्स कैनाल के थ्रू, और फिर ये ओपन होती हैं आपके यूरिनो जेनाइटल डक्ट में, ठीक है। अब ये कॉमन डक्ट है एक्सक्रीशन के लिए भी और रिप्रोडक्शन के लिए भी, है ना, तभी नाम यूरिनो जेनाइटल है। अब ये ओपन होता है क्लोएका में और फिर बाहर आ जाता है क्लोएकल एपर्चर से, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है बेसिकली ये एक एड्रीनल ग्लैंड है ना। इधर आप देखेंगे रेक्टम है और यूरिनरी ब्लैडर है, तो आप देख रहे हैं काफी जुड़ा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गाइस। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ऐसा कुछ दिखता है। अब अगर गाइस आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो है आपका किडनी से जुड़ा नहीं होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक तो फिर से पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, है ना, तो ये जो है वो ओवरी है, एक आपको ये जो इस साइड में ये ओवरी पूरी दिख रही है और दूसरी ओवरी ये है, ठीक है। अब किडनी के पास सिचुएटेड तो है लेकिन कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है, है ना। इनसे निकलता है एक ओवी डक्ट, है ना। अब ये जो ग्रीन ट्यूब आपको दिख रही है ना, ये है ओवी डक्ट, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि अलग से क्लोएका से आके जुड़ा हुआ है ना, तो ये आपका वापस एक क्लोएका है, ये क्लोएकल एपर्चर है और अलग से जुड़ा हुआ है, ये अलग है और ये अलग है, ये बेसिकली आपका यूरेटर है ना। इसमें आपके होंगे एग्स, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो यहां आप देख रहे हैं यूरेटर अलग है और ये जो ओविडक्ट है वो अलग है, तो बेसिकली आपका ओवरी एग्स प्रोड्यूस करता है, ये ओविडक्ट में जाता है, ओविडक्ट से ये पास हो जाता है इधर, ठीक है। अब एक मैच्योर फीमेल जो होती है ना, वो 2500 से 3000 ओवा या एग एक बार में प्रोड्यूस कर सकती है। फर्टिलाइजेशन बाहर होता है बॉडी के, है ना, तो बाहर बेसिकली ये एग्स बाहर निकलते हैं, फीमेल फ्रॉग से स्पर्म्स बाहर निकलते हैं और वो फ्यूज करके बाहर फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन एक तो एक्सटर्नल है और इन वाटर है, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है वो एक लार्वल स्टेज से होता है गाइस, इस लार्वल स्टेज में जब फ्रॉग होता है उसको बोलते हैं टैडपोल, और टैडपोल मेटामॉर्फोसिस करके बनाता है एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। तो काफी डिफरेंस दिखेगा आपको अगर आप टैडपोल का स्ट्रक्चर देखेंगे और एडल्ट फ्रॉग देखेंगे, जैसे टैडपोल में टेल होता है बट एडल्ट फ्रॉग में नहीं होता है, ठीक है। अब कैसे गाइस फ्रॉग बेनिफिशियल है मैनकाइंड को, तो बेसिकली ये फूड चेन और जो हमारा फूड वेब है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स खाते हैं और ये हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस इसके साथ हमने फ्रॉग भी पूरा एनाटॉमी और मोर्फोलॉजी कवर कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा गाइस। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है जरा सा भी,
तो मुझे आप जरूर मैसेज करके बताइए। आप चाहे कमेंट पे मुझे मैसेज करके डाउट्स पूछ लीजिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियोस के। बट गाइज, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको समझ में आया, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो, सो दैट आपको सारी वीडियोस जो मैं अपडेट करती हूँ वो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइज, फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट करके कि आपको वीडियो अच्छा लगा क्या, नहीं लगा तो क्यों लगा, और अगर कोई डाउट है तो पूछिए जरूर। आपके फीडबैक, आपके कमेंट से ही मैं वीडियोस को और बेटर बना सकती हूँ। ठीक है, तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम एक नया चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।